जब भी मैं कुकिंग टिप्स के या किचन रेसिपीज़ के वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं और जो उसमें रिक्वेस्ट होती है उसको दिमाग में ज़रूर रखती हूँ। तो उसी तरह से आज के वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी रेसिपीज़ और टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ ना चीज़, वो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और बिल्कुल घर की चीज़ों से वो फटाफट बन जाती है। तो इसके लिए ना मैंने 1 लीटर दूध लिया है और ये थोड़ी सी ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं और इनके किनारे कट करके इनको मिक्सी में पीस लेंगे। और ये रेसिपी ऐसी है जो घर के छोटे से ही सामान से बन जाती है। तो जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, रेसिपीज़ होती हैं, उन्हें हम हमेशा याद रखते हैं और जब भी कोई मेहमान आए या बच्चे डिमांड करें तो बना लेते हैं। तो देखिए, दूध जैसे ही हल्का सा बॉयल हुआ यानी कि गर्म हुआ, तो जो हमने ये पिसी हुई ब्रेड थी ये इसमें मिक्स कर ली है और अब इसे लगातार चलाएँगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए और जो ये ब्रेड के जो हमने क्रम्स इसमें डाले हैं ना, ये आपस में चिपके नहीं। तो लगातार चलाते हुए हमें इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ कर लेनी है। और देखिए, ये जो किनारे बचे थे ना, इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, बहुत काम आते हैं। वरना जैसे आपकी जो ताज़ा ब्रेड होती है उसको सेक लीजिए बढ़िया तरह से और इसको मिक्सी में पीस लीजिए और फिर दोबारा से जो ये पिसी हुई ब्रेड है इसको थोड़ा सा जो है भून लीजिए, बहुत बढ़िया ब्रेड क्रम्स तैयार होते हैं। या फिर अगर आपके पास रस्क होते हैं ना, उनसे भी बन जाते हैं इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स। तो रस्क ले लीजिए और इसको भी आपको पीसना है मिक्सी में, तो इंस्टेंट अगर आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए तो रस्क का यूज़ करिए। तो जो हमने ये दूध चढ़ाया था, देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, हाफ इसकी क्वांटिटी लगभग हो गई है। तो इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप खाते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और देखिए इसमें ब्रेड की वजह से कितना बढ़िया दाना आया है। वैसे आप इसे पनीर से और खोए से भी बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बनानी बताई है, लेकिन ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से बन जाती है और ये बहुत टेस्टी बनती है और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी 1/2 कप, और चीनी डालने से ना दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो हमें इसे थोड़ी देर और चलाना होता है जिससे कि ये गाढ़ा सा हो जाए और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ये हैं कुल्फ़ी के सांचे, बहुत बढ़िया रहते हैं। ये मेरे पास 2-3 सालों से हैं, मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ कुल्फ़ी जमाने के लिए। तो बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी जमती है। तो एक स्पून की मदद से इनको भर लेना होता है और एक बड़े गिलास में मैं इनको सेट कर देती हूँ। अगर आपका फ्रीज़र वाला एरिया छोटा है ना, तो ये बड़ा गिलास अगर उसमें ना आ पाए तो ये आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। मेरे फ्रीज़र में ये इस तरह से आ जाते हैं और फिर इनके ऊपर एक मैं स्टिक डाल देती हूँ इस तरह से, तो इन्हें निकालने में भी आसानी होती है। तो फ्रीज़र में अच्छी तरीके से अब मैं इनको सेट कर दूंगी। और अगर आपके पास ऐसे सांचे नहीं हो तो आप किसी भी बर्तन में बहुत आराम से इन कुल्फी को जमा सकते हैं और इन्हें निकाल के कट करके खा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ग्लासेस में मैंने जमाई और ऊपर से थोड़ा सा इसमें कट लगा के मैंने जो ये स्पून होती है ना, वुडन स्पून, जो लकड़ी की चम्मच होती है, इनको इसमें डाल दिया, तो इससे ये बिल्कुल बढ़िया तरह से सेट हो जाएंगी। और इनको ओवरनाइट मैंने रख दिया था और अब मैं इनको निकालूंगी। तो जो कुल्फ़ी होती है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में खुद भी कट करके खाते हैं या जैसे मार्केट में मिलती है आप स्टिक से भी ले सकते हैं। तो जो ये बिल्कुल पतले वाले सांचे होते हैं, इनको थोड़ा सा आपको पानी में थोड़ा सा डालना होता है इस तरह से, ताकि इसमें आसानी से कुल्फ़ी निकल जाए। और ये इतनी बढ़िया, इतनी सॉफ्ट, इतनी टेस्टी कुल्फ़ी बनती है कि बच्चे भी इसको नहीं पहचान पाएंगे कि इतनी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। डेली ट्राई करिए, इसको बहुत अच्छी चीज है। और जब बच्चों की बारी आती है तो उनके लिए हमें अलग अलग तरीके के पराठे बनाने ही होते हैं टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में। तो मैंने क्या किया, ये थोड़े से सोया चंक्स लिए और पानी में नमक डाल के हम इसे बॉयल करेंगे। इतना पानी होना चाहिए कि ये चंक्स उसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। और जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा तो गैस को धीमी करके 2-3 मिनट इसको पका के हम गैस को बंद कर देंगे, पानी से छान लेंगे इनको और फिर ठंडा होने के बाद हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे और हम बनाएंगे बहुत बढ़िया स्टफिंग जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। प्याज काट ली है, अदरक और हरी मिर्च काट ली है और कुकिंग ऑयल में हम हरी मिर्च, अदरक और प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे और जो भी मसाले आप या बच्चे खाते हो, जो भी आपके घर में टेस्ट में हो, वो सारे मसाले इसमें ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा नमक भी, और इसी में डाल दीजिए पिसे हुए सोया चंक्स और एक बहुत बढ़िया स्टफिंग रेडी हो गई है। अब इसे चाहे आप तो इसे सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी पराठे। लेकिन पराठों का ना एक स्पेशल तरीके का आप आटा भी तैयार करिए, उसमें मिलाइए बेसन
और थोड़ा सा जो खड़ा धनिया होता है ना उसको अच्छे से क्रश करके इसमें डाल लीजिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अजवाइन थोड़ी सी क्रश करके डालिए और नमक, और जो अगर आप प्याज इसमें डालें ना बारीक कटी हुई तो और टेस्टी ये बन जाते हैं। एक डो प्रिपेयर कर लीजिए और इससे बनाइए इस तरीके से दो थोड़ी सी रोटियाँ और एक के ऊपर एक रख दीजिए और बीच में भर दीजिए स्टफिंग। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस एक अच्छा पराठा तैयार है, जो बच्चों को टिफिन में भी दीजिए, बिल्कुल करारा ये बना रहेगा। और इसी स्टफिंग को आप भरवा करेले बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी पहली रेसिपी थी जो मैंने सीखी थी, तो करेलों में इनको भर दीजिए और बिल्कुल जैसे आप भरवा करेले बनाते हैं वैसे बनाइए, और जब सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई फेंट के या क्रीम डाल दीजिए। एक सुपर टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी रेडी है। आज मैं बनाऊंगी डिनर में छोले भटूरे। बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे, तो छोले भटूरों के संग ना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है जो आप ऐड कर सकते हैं, वो है मसाले वाली प्याज, यानी कि एक बहुत ही अच्छी सलाद होती है जो हम जब जाते हैं ना बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहाँ मिलती है। तो प्याज के मोटे मोटे छल्ले काट के ठंडे पानी में इनको भिगो दिया और थोड़ा सा मसाला रेडी किया, जिसमें हमने दो बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है, चाट मसाला, काला नमक और सादा नमक के साथ पिसा धनिया पाउडर डाल दीजिए, सबको मिक्स कर लीजिए और जो भीगी हुई प्याज है उसको अलग निकाल के उसके ऊपर ये मसाला डाल दीजिए, कोट कर दीजिए। इतनी टेस्टी एक सलाद रेडी हो जाएगी। और हाँ, नींबू का रस डालना मत भूलिए। और बिल्कुल इसी तरीके से एक अच्छा डिनर अगर आप बनाना चाहते हैं सादा सा, तो बनाइए सबसे पहले लहसुन की चटनी। तो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च एक बड़ा चम्मच और एक बड़ा चम्मच जो है सादा मिर्च जो है उसे पानी में सोख कर दिया है, और जो एक कटोरी लहसुन हमने लिए थे ना उनको चाहे तो आप कूट लीजिए या आप थोड़ा सा पीस लीजिए इसी भीगी हुई मिर्च के साथ, और फिर उसके बाद हम इसको छौंक लगा लेंगे। आप इसे कई तरीकों से बना सकते हैं। तो थोड़े से ऑयल में जीरा लिया, उसे जैसे ही जीरा मतलब तड़क गया उसमें डाल दिया ये पेस्ट हमने, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाता। और इसमें थोड़ी सी दही जरूर डालिए और थोड़ा सा नमक, और बस इसे थोड़ा सा भूनिए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए बहुत बढ़िया वाली एक चटनी रेडी है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इस लहसुन की चटनी के साथ खाने के लिए मिस्सी रोटी, बिल्कुल अलग तरीके से। ये ऐसी टेक्निक है ना जिससे अगर आपने एक बार रोटी बना ली तो आप हर रोटी इसी तरीके से बनाओगे। तो मिस्से आटे के लिए मैंने आटा लिया, मतलब तीन पार्ट, एक पार्ट बेसन लिया और इसमें खड़ा जो है धनिया डाल दिया, अजवाइन और प्याज, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कसूरी मेथी हुई, हरी मिर्च हुई, नमक, ये सब डालती हूँ और इन रोटियों को मैं बनाऊँगी टोस्टर में। इनको हमें जैसे ना तवे पे दो साइड से सेक लेना है, बस इतना सेक लेना है कि ये इनका कच्चापन निकल जाए, बस हल्का सा। और उसके बाद हम जब इसमें कच्चापन निकल जाएगा, देखिए इस तरह से ये सिक जाएंगी, तो इनको हम लगा देंगे टोस्टर में। और टोस्टर को करीब मैंने मतलब इसमें इस तरह से रख के 2 से 3 मिनट का आप टाइमर लगा दीजिए, फिर बढ़ा दीजिए अगर नहीं सिकें तो। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको लगेगा ही नहीं ये घर पे बनी हुई कोई तंदूरी रोटी है। तो जो तंदूरी रोटी बनने का जो तरीका होता है ना, उसे तवे को उल्टा करना, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, और फटाक से देखे कितनी बढ़िया तंदूरी रोटी रेडी हो जाती हैं। अगर हम घर पे केक बनाते हैं तो वो अच्छा बने, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि मेज़रमेंट आपका सारी चीज़ों का बिल्कुल परफेक्ट हो। तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ केक की रेसिपी, चॉकलेट केक की रेसिपी, वो इसलिए बता रही हूँ कि इसमें जो मेज़रमेंट है अगर आप इनको इसी तरीके से रखेंगे तो एक सुपर डिलीशियस और बिल्कुल रुई जैसा मुलायम केक रेडी होगा। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले मैंने लिया 4 बड़े चम्मच अमूल का बटर, और बिल्कुल इसी तरीके से 4 बड़े चम्मच
मैंने, कोई भी जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। और इसमें हम डालेंगे आधा कप जो है पिसी हुई चीनी। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे एक बड़ा कप कंडेंस्ड मिल्क। घर पे भी बन जाता है, आप खुद भी बना सकते हैं। मिक्स करके अलग रख लीजिए और एक दूसरी बोल लीजिए और उसमें दो कप मैदा लीजिए फाइन फ्लोर। और इसमें हम मिक्स करेंगे कोको पाउडर 6 बड़े चम्मच और 2 छोटे चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर के और आधा छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा का और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा ड्राई पार्ट तैयार। और अब हम क्या करेंगे, 1.5 कप दूध लेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच डाल देंगे हम वनीला एसेंस के। तो हमारे तैयार हो गए 3 पार्ट। और अब हमें क्या करना है, इन तीनों पार्ट को मिक्स करना है। तो धीरे धीरे करके मिक्स करिए और अच्छी तरीके से फेंट लीजिए, बिल्कुल स्मूथ ये तैयार हो जाए हमारा बैटर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अवन को हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं। और केक टिन को तैयार करेंगे और उसमें इसी बैटर को डाल के हम रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब 35 से 40 मिनट्स के बीच में, चेक कर लीजिएगा। तो इससे एक ऐसा केक रेडी होगा जो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बेसिक रेसिपी है केक बनाने की। अब अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो कितने ढेर सारे बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक मेरे पास कमेंट आया था कि दी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अकेले सब कुछ मैनेज करते हो, बहुत ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं जब आप इस तरीके के वीडियोस बनाते हो। तो कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। देखिए लगातार मैं जब भी काम करती हूँ किचन में, तो जैसे जैसे क्योंकि मेरी यही किचन है घर के काम करने की और यही मेरा स्टूडियो है, तो मुझे लगातार इसे क्लीन रखना पड़ता है। तो जितने भी बर्तन तैयार मतलब होते चले जाते हैं उनको मुझे साथ साथ क्लीन करना पड़ता है। खैर इस टॉपिक को कभी और बाद में लेंगे। तो ये मैंने आपको आंसर दे दिया और देखिए केक रेडी हो गया। केक बनाने के लिए तो बहुत ढेर सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी स्वीट रेसिपी जो बिल्कुल घर के एक दो चीज़ों से ही तैयार हो जाएगी। हैवी बॉटम का कोई भी बर्तन या कढ़ाई ले लीजिए और इसमें हमें एक छलनी से छानना है क्या आटा। तो देखिए मैंने क्या किया है, ये 1 कप है और इसे थोड़ा सा ऊपर से खाली छोड़ दिया है और ये है आटा व्हीट फ्लोर। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा बेसन। तो जितना पार्ट ऊपर खाली छूटा हुआ है उसमें मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन के मिला लिए हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा 1 कप आइटम जिससे हम पेड़े बनाएंगे, छान लेंगे ताकि इसमें से जो कुछ भी ऐसा मोटे दाने हों वो निकल जाएं। और इसको अब हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, रोस्ट करना है। अभी हमने इसमें कोई भी घी नहीं डाला है, लेकिन जैसे ही इसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और फिर इसको हल्का हल्का सा हम भूनेंगे। ध्यान बस उसी चीज का रखना है कि हमारी गैस की जो फ्लेम हो वो बिल्कुल लो हो। और जैसे ही ये थोड़ा सा और भुन जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच घी के और फिर इसे थोड़ा सा हमें भूनना है, यानी कि हमें धीरे धीरे इसमें घी ऐड करना है। और इस तरह से 1 टेबल स्पून और ऐड किया, यानी हम 5 बड़े चम्मच घी के इसमें ऐड कर चुके हैं। भूनेंगे और जब ये बिल्कुल अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर 1 बड़ा चम्मच और इसी के साथ साथ हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और उसके 4 बड़े चम्मच डालेंगे। टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा, लगेगा ही नहीं हम आटे के पेड़े खा रहे हैं। अगर इसमें खोआ हो तो वो भी मिला सकते हैं, मिल्क मेड मिला सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ऑप्शन होता है कि इसमें मिल्क पाउडर मिला लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें मिलाएंगे अब बूरा या पाउडर्ड शुगर 1/2 कप, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे फिर से 1 बड़ा चम्मच देसी घी का और फिर एक और चम्मच डाल देंगे, यानी हो जाएंगे 2 बड़े चम्मच, यानी हम 6 बड़े चम्मच देसी घी के इसमें डाल चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स किया, देखा बन रहे हैं पेड़े, नहीं तो थोड़े से जो है इसमें आप छींटे दे दीजिए दूध के। और ये देखिए ये है पेड़ा मेकर, बहुत बढ़िया चीज़ है, अमेजोन से मैंने ली है। इसके साथ ना देखिए कुछ इस तरीके के मतलब डिज़ाइंस आते हैं,
हैं अलग अलग, इससे पेड़े बन जाते हैं और जो रेगुलर पेड़ा होता है ना वो देखने में बहुत अच्छा लगने लगता है। बड़ी बढ़िया सी चीज़ है, लिंक दे दूंगी इन सब चीज़ों का, आप लोग चेक कर लेना। तो बस एक पेड़ा सा बना के, मतलब राउंड बॉल सी बना के रख लेनी है और इसको इसके अंदर डाल के ऊपर से 2-3 बार दबाना है। इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है और जो भी मोल्ड आप इसमें लगाएंगे ना उसी डिज़ाइन का एक पेड़ा बन के आ जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से दबा के इसको निकाला, दिखना मतलब कितना चेंज हो गया ना, देखिए लग ही नहीं रहा कि ये वही रेगुलर आटे का पेड़ा है। दोस्तों इस तरह से बिना किसी हेल्प के अपने आप ही सारा काम करके एक वीडियो शूट होता है, बनता है और वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।